15 शोबान मुअज्जम की रात कितनी नाजुक रात है कि न जाने किसके किस्मत में क्या से क्या लिख दिया जाए। बाज़ बंदा गफलत में पड़ा रह जाता है और उसके बारे में कुछ का कुछ हो चुका होता है। बुनियादुल तालबीन के अंदर लिखा है, बहुत सारे कफन धुल कर तैयार होते हैं मगर कफन पहनने वाले बाजारों में घूम फिर रहे होते हैं। बहुत सारी कब्रें तैयार होती हैं मगर कब्र में दफन होने वाले बख्तियों में फिर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग हंस रहे होते हैं मगर उनकी मौत का वक्त करीब आ चुका होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये रात हमें अता फरमाई है कि इस रात में हम अपनी बख्शिश को तलब कर लें, अपने गुनाहों से माफी तलब कर लें। बहुत सारे लोग इसके अंदर माफी तलब करते हैं, तलाश करने की दुआएं मांगते हैं। रात इंतहाई कदर कीमत वाली रात है। इस रात में रब ताला की रहमतें कसीर नाजिल होती हैं और रब ताला इस रात में बहुत सारे लोगों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। इस रात के अंदर नामा आमाल लिखा जाता है कि साल भर में जिसने हज करनी है उसके बारे में लिख दिया जाता है और जिसने जिसका जितना रिस्क है वो सारे का सारा इसके अंदर दर्ज किया जाता है। पर अब ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, फीहा युफरक कुल्लु अमरिन हकीम, कि इस रात में हर हिकमत वाला काम तकसीम कर दिया जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम इस रात को इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं को कबूलियत की हवा मिल रही है, हम भी कदरों को शबे बारात मिल रही है। अल्लाह तबारक व तआला हमें शबे बारात की बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और इस रात को फजूल गुजारने से महफूज फरमाए। हमें इस रात के अंदर ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। भाई शबे बारात ये किस्मत की बात है।